आज केरल के कोझिकोड दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। उरी में आतंकी हमले के बाद करेंगे पहली रैली। पीएम मोदी की रैली पर टिकी है देश की नजरें। उरी अटैक के बाद मौखिक तौर पर पीएम ने अभी तक नहीं दिया है कोई बयान। कोझिकोड में बीजेपी की 3 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में भी पीएम करेंगे शिरकत। आज 10 दिवसीय दौरे पर पंजाब जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर करेंगे धुआंधार प्रचार। में रैलियों पर होगा जोर। सिंधु ने आवाज पंजाब की बुलाई बैठक। पाकिस्तान का पानी बंद करने की तैयारी में भारत। सिंधु नदी जल समझौता रद्द करने को लेकर जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने ली बैठक। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम ने की सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार की मांग। बोले समझौते ने किया राज्य का नुकसान। सिंधु समझौते को लेकर पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का केंद्र पर निशाना। कहा राज्य का भारी नुकसान हुआ लेकिन इसे खत्म नहीं करेगी मोदी सरकार। 1960 में हुआ था सिंधु नदी जल समझौता। 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को देता है भारत। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की हाई लेवल मीटिंग। उरी हमले के बाद की रणनीति को लेकर माथापच्ची। उरण में संदिग्धों की तलाश 48 घंटे बाद भी जारी। आज भी एजुकेशन सोसाइटी है बंद। संदिग्धों को ढूंढने के लिए एनएसजी और सेना ने भी संभाला मोर्चा। लगातार रणनीति तैयार करी है सुरक्षा एजेंसी। उरण के संदिग्धों को लेकर चश्मदीद बच्ची से भी सुरक्षा एजेंसी ने की पूछताछ। जारी किया गया स्केच। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की लोगों से अपील। कहा बेखौफ करें अपना काम। सुरक्षा एजेंसीज कर रही हैं पूरी कोशिश। जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके से धरा गया संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक। 2 सिम और 1 मोबाइल बरामद। आतंकी होने की बात कबूली। होशियारपुर के मुकेरिया में संदिग्ध कबूतर की बरामदगी से हड़कंप। उर्दू में लिखे थे कोड वर्ड की हो रही है जांच। उरी हमले के बाद एलओसी पर बढ़ाए गए सुरक्षा। घुसपैठियों की हर कोशिश पर सुरक्षा एजेंसी की कड़ी नजर। उरी हमले के बाद निशाने पर पाकिस्तानी कलाकार एमएनएस ने दी 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने की धमकी। करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल और शाहरुख की रईस के खिलाफ एमएनएस की चेतावनी। दोनों फिल्मों में है पाकिस्तानी कलाकार। एमएनएस के बाद शिवसेना ने भी की पाकिस्तानी कलाकारों के बहिष्कार की मांग। कहा सरकार जारी करे पूरी फहरिस्त। अपने चाहने वालों से गायिका लता मंगेशकर की भावुक अपील। कहा 28 सितंबर को जन्मदिन पर गिफ्ट भेजने की जगह आर्मी वेलफेयर फंड में करे दान। राफेल फाइटर प्लेन खरीदने को लेकर भारत ने फ्रांस से किया करार। 2019 तक भारत को मिलेंगे 36 लड़ाकू प्लेन। करीब 1.5 साल की बातचीत के बाद पकी हुई राफेल डील। रक्षा मंत्री बोले वायुसेना के अहम जरूरत थे ये राफेल प्लेन। करीब 59,000 करोड़ रुपए में हुई राफेल डील। हथियार समेत एक लड़ाकू विमान की कीमत करीब 1600 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बजरंग दल शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई के लिए पीएम मोदी को खून से लिखा खत। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पाकिस्तान के खिलाफ फूटा गुस्सा। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे। प्रदर्शनकारियों ने जलाया पुतला। मंदसौर में सुवासरा में एक संस्था ने सिर मुंडवा कर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। सागर की निधि ने पेश की मिसाल। फौजी पति की मौत के बाद एसएसपी परीक्षा में हुई पास। बेटे को फौज में भेजना है सपना। पटना में अनोखी शराब तस्करी का भंडाफोड़। महिला के वेश में शराब सप्लाई करता था एक शख्स। पुलिस के हत्थे चढ़ा। पंजाब के फजिलका में सरहद के करीब बसे लोगों का साहसिक निर्णय। गांव छोड़ने के बजाय सेना की मदद का फैसला किया। फजिलका के गांव बेरीवाला आसफवाला नूर समान पक्का चिश्ती जैसे दर्जनों गांव तनावपूर्ण हालत के शिकार। सेना ने जारी किया आर्मी हेल्पलाइन नंबर। दिल्ली में दिखा पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा। जुमे की नमाज अदा करने के बाद हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर उतरा अल्पसंख्यक समुदाय। गाजियाबाद में हुक्का बार पर पुलिस का छापा। 15 लोग गिरफ्तार। ग्राहकों को परोसी जा रही थी ड्रग्स। उज्जैन में बीती रात दर्दनाक हादसा। लॉरी और मिनी ट्रक की भिड़ंत में 10 लोगों की मौत। दिल्ली में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आरोप में घिरे 21 विधायकों को मिली नई तारीख। 7 अक्टूबर तक अपने पक्ष में चुनाव आयोग को दे सकेंगे दस्तावेज। तृणमूल कांग्रेस ने त्रिपुरा के सीएम माणिक सरकार पर देश विरोधी बयानबाजी का लगाया आरोप। विधानसभा से किया वॉकआउट। सिरसा में सरकारी अस्पताल के 14 अस्थायी कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से इच्छा मृत्यु की मांग की। स्थायी नौकरी नहीं मिलने से नाराज किए। आज लॉस वेगास रवाना होंगे झारखंड के सीएम रघुवर दास। 25 सितंबर को माइनिंग एक्सपो में करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश के भिंड में लोकायुक्त टीम ने मारा छापा। नायब तहसीलदार को 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा।
गाजियाबाद में फिर हुई मासूम से दरिंदगी, 7 साल की बच्ची से हुआ बलात्कार, आरोपी फरार। गाजियाबाद के SRM कॉलेज में डेंगू से हुआ छात्र का मौत, 7 ही छात्रों ने किया हंगामा, बस और एम्बुलेंस के शीशे तोड़े। गाजियाबाद पुलिस ने हंगामा करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज की रिपोर्ट, कुछ और छात्रों की पहचान में जुटी पुलिस। यूपी में पीलीभीत के एक अस्पताल से ठेले पर पिता का शव ले गया युवक, नहीं मिली एम्बुलेंस, सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में मंदबुद्धि महिला से बलात्कार, 8 महीने की गर्भवती है पीड़िता, बच्चे की परवरिश के लिए अभी से आगे आए समाज सेवी। बैंक कैशियर के अपहरण कांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी झांसी पुलिस, के हाथ आया शातिर गैंग, अपहरण गैंग की सरगना महिला डॉक्टर समेत 4 लोग गिरफ्तार। झांसी पुलिस की गिरफ्त में आए अपहरणकर्ताओं के पास से 10,52,000 कैश, राइफल, तमंचे, कारतूस और बोलेरो गाड़ी बरामद की, गैंग में है कुल 10 सदस्य। यूपी के बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पर फिर हुई वारदात, रेप वाले घटनास्थल के पास बदमाशों ने दिल्ली के एक दंपत्ति से की लूटपाट। नेशनल हाईवे 91 पर लुटेरों ने पहले एक महिला की लूटी चेन, विरोध पर पति कुमारी गोली, हलकम। आगरा के बरहन इलाके में एक नाबालिग पर टूटा दबंगों का कहर, भैंस चोरी के आरोप में पिटाई की, मुंह में ठूसे कपड़े, पेट्रोल भी डाला। अमेठी में तांत्रिक की पिटाई से परेशान महिला ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी की कोशिश की, GRP ने बचाया। यूपी के मुरैना में अज्ञात हमलावरों ने आयुर्वेद के एक डॉक्टर की हत्या की, कमरे में मिला शव, हाथ पैर थे बंधे। मथुरा पुलिस ने एक केस में सारों पर तेजाब से हमला करने के आरोप में जीजा को किया गिरफ्तार, साली से अवैध संबंधों का आरोप। दिल्ली पुलिस ने दानिश और मुकुल नाम के सुपारी किलर को किया गिरफ्तार, 2 लाख रुपए सुपारी लेकर सुभाष यादव नाम के कारोबारी की हत्या की थी। जयपुर के संगनेर में पुलिस की गश्त से बच गई ATM में चोरी, पंजाब नेशनल बैंक के ATM में घुसे बदमाश, पुलिस को देखकर हुए फरार। कोयम्बटूर में एक समाज सेवी की हत्या से बढ़ा तनाव, बाइक से उतारकर 4 लोगों ने सरेआम की थी हत्या। सोनीपत के एक गांव में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, पत्नी ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया केस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पिछले 1 साल से लापता युवक का शव उसी के घर में दफन मिला, पुलिस ने कमरा खोद कर निकाला कंकाल। रायपुर पुलिस ने मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया, एक शख्स के साथ मिलकर दफनाई थी पति की लाश, पुलिस को प्रेम संबंध का शक। जलपाईगुड़ी में एक बहन पर भाई की हत्या का आरोप, मृतक की पत्नी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, जादू टोने का है शक। यूपी के शामली में नगर पालिका कर्मी की हत्या के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार, आरोपियों में से पिता और उसकी 3 बेटियां शामिल। मृतक नगर पालिका कर्मी का आरोप, उधार के पैसों के एवज में 3 सगी बहनों पर अवैध संबंधों का बनाता था दबाव। दिल्ली के वसंत विहार में चलती बाइक में लगी आग, बाइक सवार ने वक्त रहते खुद को बचाया। छतरपुर नौगांव में NH-75 में फराटा भर्ती कार में लगी आग, कार सवार 2 लोगों को आई मामूली चोट। अहमदाबाद में सीनियर IPS अधिकारी के खिलाफ उनकी बहू ने दर्ज कराई शिकायत, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप, पति पर विवाहेतर संबंधों का आरोप। गोवा के सनसनीखेज स्कारलेट केस के दोनों आरोपी बरी, 2008 में मशहूर अंजुना बीच किनारे मिली थी ब्रिटिश लड़की की लाश। स्कारलेट केस में पुलिस ने 2 स्थानीय लोगों को किया था गिरफ्तार, नशीली दवा देकर यौन शोषण का था आरोप। स्कारलेट की मां ने गोवा कोर्ट के फैसले पर जताई हैरानी, कहा ऊपरी अदालत में देंगे चुनौती। रुचिका गिरहोत्रा केस में सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा के पूर्व DGP को दी राहत, शंभू प्रताप सिंह पर टेनिस खिलाड़ी से था छेड़छाड़ का आरोप। बिहार के हाजीपुर में फर्जी बहाली को लेकर जमकर बवाल, एक परिवार ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर की आत्मदाह की कोशिश। हैदराबाद में सड़कों पर सैलाब का मंजर, बारिश में किया बेहाल, अगले 48 घंटे शहर भर में भारी। हैदराबाद में एक मरीज के लिए जानलेवा साबित हुई बारिश, एम्बुलेंस कर्मियों के मना करने पर मरीज की गई जान। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में भी सैलाब का कहर, सतेनापल्ली में पुल हुआ क्षतिग्रस्त। गुंटूर में KL राव सागर बांध बारिश के पानी से लवाला भरा, रेलवे ट्रैक पर जल भराव से कई ट्रेनें हुई रद्द। बारिश से गया में भी सैलाब जैसा मंजर, 5,000 की आबादी वाले कटारी मोहल्ले का बेहद बुरा हाल। मुंबई में लगातार बारिश से सड़कों पर जल भराव, कई इलाकों में घुटने तक पानी। जोरदार बारिश के बाद समंदर के बैक वाटर की समस्या से रूबरू माया नगरी, नालों के जरिए शहर में घुस रहा समंदर का पानी। ठाणी में बारिश के बाद सड़कों पर दिखी जलाशय जैसी तस्वीर, तमाम वाहन फंसे। महाराष्ट्र के बीड जिले में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर समंदर जैसा मंजर, सुभाष रोड, जालना रोड, शाहो नगर, पंचशील नगर का हुआ बुरा हाल। बीड में 4 सालों में पहली बार बिंदुसरा नदी उफान पर, पुल के ऊपर बह रहा दरिया, पुराने और नए शहर का संपर्क टूटा। छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान धड़ल्ले से हुई नकल, BA सेकेंड ईयर की थी परीक्षा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में नकल की तस्वीरें कैमरे में कैद, कुछ भी बोलने से बचे शिक्षक।
सिरोही में सेल्फी पर अजगर को आया गुस्सा, सेल्फी लेने वाले को डसा। सिरोही में खेत से निकले अजगर को कुछ लोग पकड़कर ला रहे थे, इसी दौरान सेल्फी लेते एक युवक पर वो झपट पड़ा। शराबबंदी के बीच बिहार में मोबाइल शॉप के धंधे का जोर, बिक्री से खुश नजर आ रहे हैं दुकानदार। 25 सितंबर तक जारी रहेगा रेलवे का स्वच्छता मिशन, पीएम मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से शुरू हुई थी। अमृतसर में अंबेडकर की 125वीं जयंती का आयोजन, पुडुचेरी के राज्यपाल किरण बेदी भी पहुंची। पुंछ में मुगल रोड पर सेब की बिक्री, सस्ते दर पर सेब खरीदकर खुश हैं ग्राहक। विशाखापट्टनम में सी फूड शो और सेमिनार का आयोजन, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू निर्मला सीतारमन के साथ सीएम चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचे। असम के लखीमपुर में बिखरे कला के रंग, आदिवासी कला महोत्सव का आयोजन। हॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा का दिनों दिन बढ़ा है जलवा, अमेरिका में स्टाइल आइकन बनी प्रियंका, मिला पुरस्कार। बाहुबली का सीक्वल बाहुबली 2 का फोटो हुआ लीक, 2017 में रिलीज होगी फिल्म। निर्देशक इम्तियाज अली की फिल्म द रिंग की एम्स्टर्डम में शूटिंग हुई शुरू, फिल्म में शाहरुख अनुष्का लीड रोल में। सैफ की बहन सोहा अली खान भाभी करीना को बताया ट्रेंड सेटर, करीना ने हाल ही में बेबी बम के साथ किया था कैटवॉक। अपनी अगली फिल्म शेफ के लिए जोरदार तैयारी कर रहे हैं सैफ अली खान, रोज 8 घंटे कर रहे हैं मेहनत।